अपने मोबाइल पर रेड बटन को क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजनास किचन। आज मैं आपके साथ गर्मियों में बनने वाली बहुत ही अच्छी एक सैंडविच बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाती है और बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी आप दे सकते हैं और सुबह और शाम के नाश्ते में भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छी सैंडविच है, तो किचन में चलते हैं और बताते हैं आपको कैसे ये बनती है। तो इसमें मैं सिर्फ फ्रूट डालूंगी, खीरा, टमाटर वगैरह। उससे पहले मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी, यदि आप अभी अभी मेरे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर क्लिक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उसे सबसे पहले देख सके। और प्लीज शेयर बहुत ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, ताकि और भी लोग मेरी रेसिपी को देख सके। और मुझे आप इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में फॉलो यदि करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं तीनों की लिंक डाल देती हूँ, उसमें आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए किचन चलते हैं और बताते हैं 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी सैंडविच। तो देखिए, गर्मियों के दिनों में बनने वाली ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सैंडविच है। इसमें खीरा, टमाटर वगैरह हमने यूज किया है। तो इस सैंडविच को यदि आप बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो देखिए, आज मैं जो आपको सैंडविच बताने जा रही हूँ, आप ये बच्चों के लंच बॉक्स में भी देख सकते हैं, गर्मियों में बहुत ही अच्छी लगती है और सुबह और शाम के नाश्ते में भी आप इसे खा सकते हैं। तो बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप गर्मियों में देंगे तो बहुत ही अच्छी होती है। तो 4 पीस हमने ब्रेड लिए हैं, व्हाइट ब्रेड है, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। थोड़ी सी हमने पीनट बटर ली है, आप देख सकते हैं पीनट बटर। एक टमाटर को हमने इस तरह से स्लाइसेस में काट लिया, एक प्याज के स्लाइसेस बना लिए हैं, उबले हुए 2 आलू को इस तरह से स्लाइसेस में काट लिया है और ये खीरा को भी हमने स्लाइसेस में काट लिया है। आप चाहे तो इसमें शिमला मिर्च भी काट कर डाल सकते हैं। बटर हमने लिया है सैंडविच सेकने के लिए। टोमेटो केचप हमने ली है, ये 2 बड़े चम्मच है। नमक, चाट मसाला, काली मिर्च का पाउडर, ये हरी चटनी। हरी चटनी जो सैंडविच वाली होती है उसकी रेसिपी मैं जल्दी अपने चैनल में शेयर करूंगी। तो चलिए सैंडविच पहले रेडी कर लेते हैं, कैसी बनती है। तो देखिए, ब्रेड के जो हमने पीसेस लिए हैं उस पर मैं सबसे पहले ऐड करूंगी ये पीनट बटर। इस तरह के पीनट बटर है, बच्चों को काफी पसंद आती है तो आप इसे यूज जरूर कीजिएगा और वैसे भी ये बहुत हेल्दी होती है पीनट बटर। तो पीनट बटर को अच्छी तरह से हम ब्रेड में इस तरह से लगा लेते हैं। पहले 4 पीस में हम पीनट बटर को लगा लेंगे। देखिए, 4 पीस में हमने पीनट बटर अच्छी तरह से स्प्रेड कर दी है। अब मैं इसमें लगाऊंगी ये ग्रीन चटनी इस तरह से। सारे पीसेस में थोड़ी थोड़ी मैं ग्रीन चटनी इस तरह से लगा देती हूँ। आप पीनट बटर की जगह सिंपल बटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पीनट बटर काफी हेल्दी होती है तो बच्चों को भी काफी पसंद आएगी। तो आप इसे एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा पीनट बटर के साथ। इस तरह से सबके ऊपर मैं थोड़ी थोड़ी ग्रीन चटनी लगा देती हूँ। तो देखिए, सारे पर हमने पीनट बटर लगाया, उसके बाद ग्रीन चटनी लगाई। अब 2 पीस में इस तरह से मैं ये केचप लगा दूंगी। 2 स्लाइसेस में केचप लगाऊंगी सिर्फ। इस तरह से अच्छी तरह से हमें केचप को स्प्रेड कर दिया ब्रेड पर। 2 पीस को मैं वैसे ही रहने दूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी ये आलू के स्लाइसेस। सबसे पहले मैं आलू के स्लाइसेस डाल रही हूँ। बॉयल आलू है, बहुत ही अच्छी लगती है। गर्मियों में आप बच्चों को बनाकर यदि लंच बॉक्स में देंगे या खुद भी खाएंगे शाम के या सुबह के ब्रेकफास्ट में, तो बहुत ही हेल्दी भी है, बहुत टेस्टी भी बनती है। इसके ऊपर मैं लगा देती हूँ ये ऑनियन के स्लाइसेस, ये खीरा,
अब मैं रख दूंगी इसके ऊपर ये टमाटो। देखिए देखिए इसके ऊपर मैं ये सॉल्ट डाल रही हूं, थोड़ी सी कॉमन सॉल्ट है, काली मिर्च, ब्लैक पेपर पाउडर, तो ऐसे हल्का हल्का हम पे स्प्रिंकल कर देना है चाट मसाला, ये हमारा सैंडविच रेडी हो गया। अब मैं ये पीस को उठाकर इसके ऊपर इस तरह से रख दूंगी और थोड़ा सा हमें प्रेस कर देना है इस तरह से। अब चलिए तवे की तरफ चलते हैं और इसे सेक लेते हैं। तो देखिए गैस पर हमने एक तवा रख दिया है, इसमें मैं डाल दूंगी ये बटर, अच्छे से बटर को स्प्रेड कर लेंगे हम। और ये सैंडविच के पीसेस को मैं पर रख दूंगी इस तरह से। और गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, सैंडविच हमारे जलने नहीं चाहिए, मीडियम टू लो रखना है। और इस तरह से थोड़ा सा ये जो बटर हमने डाला है ये इस तरह से इधर ऊपर भी हम बटर लगा लेते हैं थोड़ी सी। इस तरह से ऊपर की तरफ भी थोड़ी सी बटर लगा देते हैं। आप यदि बटर नहीं खाते हैं, बटर नहीं पसंद है, तो आप ऑयल के साथ भी इसे बना सकते हैं, लेकिन बटर से काफी अच्छा टेस्ट भी आता है और हेल्दी भी होती है, यदि खाते हैं तो जरूर लगाइएगा। तो देखिए इसे इस तरह से पलट लेते हैं, अधिक नहीं सेकना, मैं तो ये हार्ड हो जाएगी, इसे भी पलट लेंगे बिल्कुल आराम से। वाह देख सकते हैं आप, तो देखिए दोनों तरफ से ये गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो गैस को कर लेते हैं ऑफ और इसे मैं निकाल लूंगी इस तरह, चॉपिंग बोर्ड पर ही निकाल रही हूँ। अब मैं इसे कट करके सर्व करूंगी, तो आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं या फोर पीसेस में डिवाइड कर सकते हैं, या इस तरह से कट कर दीजिए इसे। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनी है। और सैंडविच यदि खाना है तो आप इसे गर्मा गर्म ही खाइए, ठंडी ये अच्छी नहीं लगती। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। तो देखिए गर्मा गर्म गर्मियों में खाने वाली बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सैंडविच बनकर रेडी है। तो इस तरह से आप सर्व कीजिए और मेरी वीडियो को देखने के बाद फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।